टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो चुकी है। मोबाइल डिवाइस का स्टेटस पेयर्ड शो हो रहा है, मगर मोबाइल डिवाइस के सिग्नल्स रिसीव नहीं हो रहे। कि यूज़र ने जो एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है, उसने डिवाइस में भी वही इंसर्ट करना है और सिर्फ वही मोबाइल नंबर उसकी डिवाइस में काम कर रहा होगा। आफ्टर 2 आवर्स उनको डिवाइस रीस्टार्ट करना होता है। यूज़र रीस्टार्ट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उनको नेटवर्क सर्विसेज का इशू आ रहा होता है। पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि DIRBS की वेब लिंक पर जाकर वो अपना मोबाइल रजिस्टर करवा लें फॉर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, मगर ऑब्वियसली उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान से बाहर जो डिफरेंट चेक्स हैं वो अराइवल के बाद ही इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप PTA पॉडकास्ट की पहली एपिसोड देख रहे हैं। ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से एक नया इनिशिएटिव है टेलीकॉम कंज्यूमर्स के लिए, आपके लिए। इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर जो कि क्रिटिकल हैं, टॉक ऑफ द टाउन हैं और आपके लिए रेलेवेंट भी। मेरा नाम तैयबा इफ्तिखार है और आज हम बात करेंगे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम से मुतल्लिक और एड्रेस करेंगे आपके क्वेश्चंस और कंसर्न्स। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मिस रोहिना खालिद, जो कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम और मोबाइल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को देखती हैं। अस्सलामुअलैकुम रोहिना, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताएं कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम है क्या और इससे कौन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम PTA का इनिशिएटिव है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और फॉरेनर्स को फैसिलिटेट किया जाता है कि वो अपनी पाकिस्तानी सिम को 120 डेज़ के लिए यूज़ कर सकें हर दफ़ा पाकिस्तान आने पर विदाउट पेमेंट ऑफ FBR ड्यूटी टैक्सेस। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का मेथड बहुत ही सिंपल है, जिसमें यूज़र DIRBS की वेबसाइट पर जाता है, अपना अकाउंट क्रिएट करता है और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल आउट करता है, जिसके बाद उसका IMEI उसके मोबाइल नंबर के साथ पेयर कर दिया जाता है। पेयरिंग में बेसिकली यूज़र की जो IMEI है उसके प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर के साथ मैप कर दी जाती है, तो उस IMEI के अगेंस्ट वो मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव कर दिया जाता है 120 डेज़ के लिए। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या 2 मोबाइल फ़ोन एक पासपोर्ट पर रजिस्टर करवाए जा सकते हैं या नहीं? नहीं, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन में सिर्फ एक डिवाइस अलाउ होती है एक यूज़र को। मेरा तीसरा सवाल है कि क्या किसी भी मोबाइल नंबर से अप्लाई किया जा सकता है या द सिम हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन द एप्लीकेंट्स नेम? जो भी एप्लीकेंट है उसको पाकिस्तानी सिम अपने पासपोर्ट या CNIC पे इशू करवानी होती है। इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो चुकी है, मोबाइल डिवाइस का स्टेटस पेयर्ड शो हो रहा है, मगर मोबाइल डिवाइस के सिग्नल्स रिसीव नहीं हो रहे। इस सूरत हाल में एक एप्लीकेंट क्या करे, इसका सोल्यूशन क्या है? बेसिकली इसकी 2 मेजर रीज़न्स होती हैं। फ़र्स्ट तो ये है कि यूज़र ने जो एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है, उसने डिवाइस में भी वही इंसर्ट करना है और सिर्फ वही मोबाइल नंबर उसकी डिवाइस में काम कर रहा होगा। और सेकेंडली ये है कि आफ्टर 2 आवर्स उनको डिवाइस रीस्टार्ट करना होता है, तो मोस्टली यूज़र रीस्टार्ट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उनको नेटवर्क सर्विसेज का इशू आ रहा होता है। बट स्टिल अगर इन दोनों चीज़ों के बाद भी उनको इशू आ रहा है तो वो PTA को कंप्लेंट कर सकते हैं। आप ज़रा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन मज़ीद करेंगी कि जो सार्फिन की शिकायत फीडबैक है वो कहाँ पे सारिफ कर सकता है और क्या उसको कोई सलूशन मिलेगा इसका या नहीं? सो बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक PTA का हेल्पलाइन है, टोल फ्री नंबर 0800 550 555, जिस पे यूज़र्स 9 AM to 9 PM कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं। सेकेंडली हमारी वेबसाइट है कंप्लेंट PTA CMS की, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे यूज़र्स अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट फिर उनका अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स किया जाता है। और थर्ड हमारी CMS मोबाइल ऐप भी है, जिस पे कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास और उनको अकॉर्डिंगली प्रोसेस किया जाता है। जब यूज़र कंप्लेंट लॉन्च करता है तो उनको एक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर शेयर कर दिया जाता है, जिस पे वो अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर रहे होते हैं। बाज़ लोग 2 महीने 3 महीने से ज़ायद जो हैं वो मुल्क वापस आते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वो अपनी सिम जो है, अपना मोबाइल डिवाइस जो है वो 120 दिनों से ज़ायद भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम या नहीं? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 120 डेज़ के लिए अलाउड है, बट इससे ज़्यादा अगर कोई स्टे कर रहा है, वो डिवाइस को परमानेंटली यूज़ करना चाह रहा है, तो देन उनको टैक्स पे करके डिवाइस रजिस्टर करके ही आगे फर्दर वो यूज़ कर सकते हैं। एक इशू काफ़ी देखने में आया है, मोबाइल डिवाइस जो है वो टेम्परेरी रजिस्टर करवाना है, मगर गलती से रजिस्टर मोबाइल टू पे कस्टम ड्यूटी पर क्लिक कर दिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में एप्लीकेंट क्या करे, क्या कोई सलूशन है इसका कि रिक्वेस्ट जो है वो डिलीट की जा सके? तो इसमें पीटीए की तरफ से डिस्क्लेमर भी ऐड कर दिया गया है, जिसमें वो यूज़र से कंफर्मेशन लेता है कि आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट टेक्स्ट। अगर स्टिल यूज़र जनरेट कर लेता है तो फिर इंडिविजुअल सीओसी के ऑप्शन में जाके वो माय एप्लीकेशंस के अंदर अपनी रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकता है और दोबारा से पेयरिंग रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है। और सेकेंडली, अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो फिर पीटीए को अप्रोच कर सकता है। अब बात कर लेते हैं वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी के बारे में। पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि DIRBS की वेब लिंक पर जाकर वो अपना मोबाइल रजिस्टर करवा लें फॉर टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन, मगर ऑब्वियसली उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान से बाहर। ऐसा क्यों है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी? सो बेसिकली डर्ब्स सिस्टम लोकल मोबाइल नेटवर्क्स के लिए है और पाकिस्तान के अंदर ही यूज़ होता है। सेकेंडली, जो डिफरेंट चेक्स हैं वो अराइवल के बाद ही इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये वेबसाइट विद इन पाकिस्तान एक्सेसिबल है। हमें ये सवाल रिसीव हुआ है कि टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन करवानी है, यूज़र की डिवाइस में 2 IMEIs हैं, उन्होंने दिए गए फील्ड में दोनों IMEIs इनपुट किए और इसके बाद सिस्टम ने उन्हें 2 फ़ोन नंबर्स डालने को कहा, मगर द एप्लीकेंट द यूज़र इज़ ओनली यूजिंग 1 मोबाइल नंबर। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेकंड फील्ड है उसमें यूज़र को क्या डालना चाहिए, क्या इसकी रेजोल्यूशन मुमकिन है या नहीं है? सो बेसिकली IMEIs दोनों प्रोवाइड करना मस्ट है, लेकिन नंबर एक ही इंटर कर सकता है। फर्स्ट IMEI के अगेंस्ट मोबाइल नंबर इंटर कर दे और सेकंड के अगेंस्ट खाली छोड़ दे। कुछ लोगों को ये एरर रिसीव होता है, सिस्टम उनको बताता है कि मोबाइल ऑपरेटर लिंक इज़ डाउन। इसका मतलब क्या है और ऐसी सिचुएशन में यूज़र को क्या करना चाहिए? सो बेसिकली मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, तो इस सिलसिले में यूज़र उसको विद इन फ्यू सेकेंड्स दोबारा से रीसबमिट कर सकता है या थोड़ी देर बाद उसको ट्राई कर सकता है। एक और एरर जो यूज़र्स को रिसीव होता है वो ये है कि प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इज़ नॉट वेरीफाइड बाय इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये एरर है क्या और इसकी रेजोल्यूशन कैसे पॉसिबल है? सो इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं जो वेरीफाई हो रही होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, यूज़र को ये चेक करना होता है कि जिस पासपोर्ट पे उसने ट्रैवल किया है वही पासपोर्ट नंबर वो एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर रहा हो। सेकेंडली, उसको इंट्री डेट चेक करनी होती है, जिस इंट्री डेट पे उसका अराइवल होता है, जो इमिग्रेशन स्टैम्प पे डेट लिखी होती है वही उसको एप्लीकेशन फॉर्म में इंटर करनी होती है। थर्डली, जो डुअल नेशनल हैं उनको भी अपना पासपोर्ट के हिसाब से डाटा इंटर करना होता है कि अगर वीज़ा पे आए हैं तो वो एज अ फॉरेनर प्रोसीड करते हैं, अगर एज अ पाकिस्तानी आए हैं तो फिर वो एज अ पाकिस्तानी प्रोसीड करते हैं। अच्छा, हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे OTP से रिलेटेड कि OTP कैसे रिसीव होगा अगर आपका मोबाइल डिवाइस पहले से ही ब्लॉक्ड है। अगर यूज़र का फ़ोन ब्लॉक है तो OTP जो उसने अपने अकाउंट में ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया होता है उस ईमेल एड्रेस पे भी भेजा जाता है, तो वो अपनी ईमेल के इनबॉक्स में जाके OTP चेक कर सकता है। आखिरी सवाल, टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त यूज़र्स को अक्सर ये एरर रिसीव होता है कि मोबाइल नंबर जो कि वो इनपुट कर रहे हैं इन द सिस्टम वो इनके नाम पर नहीं है, जबकि सारिफ़ के नाम पर ही सिम रजिस्टर हुई होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसका रेजोल्यूशन क्या है? सो यूज़र को मोबाइल ऑपरेटर से कंफर्म करना होता है कि सिम उनके नाम पे ही इशूड है। सेकेंडली, उनको एप्लीकेशन फॉर्म में डाटा चेक करना होता है, जो इंटर्ड मोबाइल नंबर है वो सही होना चाहिए, मोबाइल ऑपरेटर से ही सिलेक्ट होना चाहिए। इफ़ स्टिल उनको एरर आता है तो वो कोई एविडेंस के साथ PTA को कंप्लेंट कर सकते हैं और PTA फिर उसको अकॉर्डिंगली इवेलुएट करते हैं। बहुत शुक्रिया रोहिना, आपने बहुत डिटेल्ड जवाब दिए हमारे सवाल के। आई एम श्योर इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू टेम्प्रेरी रजिस्टर द डिवाइसेस in Pakistan. And thank you for listening and watching. अपने comments और feedback हमारे साथ ज़रूर share करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।